बिहार राज्य मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लोन योजना का अंतिम डेट जो वो बढ़ा दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कितना बढ़ाया गया, कब तक ये इनका अंतिम डेट है, कब तक हमें डॉक्यूमेंट अप्लाई मतलब सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करते हैं उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आप देख लीजिएगा, चैनल पे आपको वो वीडियोज मिल जाएंगे, चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था इसके लिए क्या जरूरी है, क्या क्या आपके पास होना जरूरी है, और ये वीडियो मैंने आपको बताया था कैसे आपको अप्लाई करना होगा। ये दोनों वीडियो देख के आप बारीकी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनकी लास्ट डेट जो वो 8 मार्च थी, लेकिन अब उस डेट को बढ़ा दिया गया है, बिहार सरकार के द्वारा वो डेट को बढ़ा दिया गया है। उसकी जानकारी के लिए मुझे जाना होगा बिहार स्टेट मॉनेटरी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे, यानी कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की वेबसाइट पे। जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट डेट फॉर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना, और नीचे यहाँ पे आएंगे नोटिस आपको मिलेगा, यहाँ पे भी दिया गया लास्ट डेट, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पोस्ट आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर्म फॉर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो बताया गया है वो यहाँ पे 31 मार्च 2022 है। पहले इसकी लास्ट डेट थी वो 8 मार्च थी, अब इसको बढ़ा के 31 मार्च यानी कि पूरा मार्च कर दिया गया है। तो आप इस समय सीमा के अंदर अपना आवेदन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना के द्वारा कर सकते हैं। और कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये पिछली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ये वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। और लास्ट डेट की बात करें तो 31 मार्च कर दिया गया है, बहुत कम समय पहले दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा के बहुत ज्यादा समय दे दिया गया है। आप इस समय सीमा के अंदर 1 लाख से 5 लाख लोन लेने के लिए बिहार सरकार के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ये जो लोन है ये आपको बिहार सरकार के द्वारा मिलता है, कोई भी बैंक के द्वारा नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको बैंक से अगर लोन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप चाहे तो बिहार सरकार से ये लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन सिर्फ अल्पसंख्यक कैटेगरी के लोग ले सकते हैं। अल्पसंख्यक कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं, जैसे कि मुसलमान अल्पसंख्यक में आते हैं और जो जाति हैं वो भी अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं वो उनकी जानकारी के लिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना होगा, और यहाँ पे स्कीम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिलेगा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक एट एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इस पीडीएफ में पूरी डिटेल दी गई है कैसे आपका अप्लाई लोन होगा, कितना आपको मिलेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरी चीज आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बता दिया गया है। ये पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कितने तक का आपको लोन मिलेगा, क्या गारंटर है, क्या चीज जानकारी, वो सारी चीज आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और बात करें यहाँ अल्पसंख्यक कैटेगरी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य अल्पसंख्यक कैटेगरी में जो कौन कौन से धर्म आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, पारसी, ये 6 धर्म से अगर आप आते हैं तो आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, तब आप इस मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक लोन ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप मुस्लिम के अलावा कोई अदर जाति से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम को छोड़कर अगर आप सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध या जैन, फारसी से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको आवेदन करते समय आपका जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, अगर आप अदर जाति से आते हैं, अदर सिख, क्रिश्चियन वगैरह से आते हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी आवेदन करते समय लगाना अनिवार्य है। और पूरी क्या सिलेक्शन प्रक्रिया, सिलेक्शन वर्क फ्रेमवर्क है और सिलेक्शन कमेटी है, कैसे इनकी प्रक्रिया होती, कैसी सिलेक्शन प्रोसेस होती, सारी चीज इन्होंने पीडीएफ के माध्यम से बता दिया। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, 18 से 50 के वर्ष में एज होनी चाहिए और जिस जिला से अप्लाई करो उसी जिला का आप निवासी होना चाहिए, आप कोई सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए, इसी तरह के बहुत सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है, गारंटी है, क्या सब, ये सारी चीज इन पीडीएफ के माध्यम से बता दिया गया है। ये सभी पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, कितने लोन भी कितना जमा करना होगा, कितने रिकवरी करना होगा हर 3 महीने पे, वो सारी चीज आपको यहाँ पे इस पीडीएफ के माध्यम से बता दिया गया। अगर आप यही जानकारी वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हो वो भी मैंने आपको दे चुका हूँ। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अल्पसंख्यक लोन, आप लिखेंगे अल्पसंख्यक लोन किसान मॉनिटर YouTube पे, तो आपको यहाँ पे ये वाले वीडियोज मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया हूँ कि कितना आपको मिलेगा, तो कितना किस्त जमा करना होगा, कब किस्त जमा करना होगा, कितना ब्याज लगेगा, ये सारी चीज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। ये वीडियो देख लीजिएगा, इससे ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। उम्मीद करेंगे आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।